Hey guys, this is Ashish और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोलन के बारे में। यार ये एक ऐसा कैंपस है जो कि आपको प्रोवाइड करता है अर्ली फॉरवर्ड वाली फीलिंग, और इस कैंपस में जाने के बाद आपके चार साल जो है कोई इंजीनियरिंग के चार साल नहीं होने वाले, ये आपके वैकेशन के चार साल होने वाले हैं। क्योंकि यार यहाँ पे जब दिसंबर के महीने में बर्फ पड़ती है तो बिल्कुल आपको वही सीन याद आ जाता है जो आपको हैरी पॉटर में आता है सीन, ठीक है। तो इस कॉलेज के बारे में मैं सारी की सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो के खत्म होने तक आपको प्रोवाइड हो चुकी है सारी की सारी डिटेल्स। तो जिन लोगों के पास भाई टाइम नहीं है और जो लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देख सकते, तो मैं चार चीजें उनको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मेजोरिटी 90% ऑफ मेजोरिटी पीपल सिर्फ चार चीजें देखने आते हैं, वो है कट ऑफ, प्लेसमेंट, लोकेशन और आपकी फीस, ठीक है। तो चार चीजें हम लोग देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस आ गए हम आज के टॉपिक पे जो कि हमारा है जेपीएमसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। यार ये बकना घाट में है सोलान में, अच्छी खासी बर्फबारी होती है यहाँ पे और काफ़ी बढ़िया एटमॉस्फेयर रहता है। 2002 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। इसकी यार दो सिस्टर इंस्टीट्यूट भी हैं, एक और है वो भोपाल में है लेकिन वो बीटेक नहीं कर रहा था, एक JUET गुना है और एक JEE नोएडा है। नोएडा वाला सबसे टॉप पे आता है, उसके बाद आता है यार आपका ये सोलन वाला, उसके बाद आता है गुना वाला। तीनों में से कहीं एडमिशन मिल रहा हो बेस्ट है, तीनों जगह आप ले सकते हैं। अगर आपको टूरिस्ट प्लेस जैसा मज़ा लेना हो चार साल, तो आप यहाँ पे आइए और ये बेस्ट है एकदम। तो यार इसका एडमिशन प्रोसेस जेई मेंस के थ्रू होता है। जेई मेंस के थ्रू आपका बीटेक में एडमिशन होता है। बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। और कट ऑफ यार JUET की जो कट ऑफ है यार ये 2,50,000 से 3,00,000 के बीच में आ जाती है, ओके। और नोएडा की थोड़ी ऊपर आती क्योंकि वो थोड़ा बेस्ट कॉलेज है। तो फीस यार इसकी 2.2 लाख पर एनएम है। हॉस्टल का आपको 1,00,000 रुपया देना पड़ेगा। बेस्ट हॉस्टल आपको प्रोवाइड करते हैं, मेस का फूड ओके है, बाकी सारी चीज़ें एकदम बेस्ट हैं, ऐसी कोई शिकायत वाली बात नहीं है इस कॉलेज में। प्लेसमेंट यार इसका 70% जो है आराम से मिल जाता है स्टूडेंट्स को। पिछले साल तो 80% मिला था, मतलब पिछले साल 2018 और 2019 में। पैकेज की बात की जाए यार तो फिर इसका हाईएस्ट पैकेज 40,00,000 पर एनम, जो कि सारे प्राइवेट कॉलेज का अप्रॉक्सीमेटली होता है, इसको भी वैसा ही मिला है। इसका लोएस्ट यार 3,00,000 पर एनम होगा और एवरेज 4,00,000 पर एनम मिल जाता है स्टूडेंट्स को। कैंपस की बात करें यार, कैंपस इसका पहाड़ी इलाके में है थोड़ा सा, तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है और 25 एकर्स में फैला हुआ है। यहाँ पर एक हेलीपैड भी है। और यार ये इंडिया का मतलब ये ऐसा ही कैंपस है जहाँ के आपके चार साल आपको ऐसा फील होगा कि आप वैकेशन मना रहे हैं, इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही बेस्ट है। और यहाँ पे यार एक फेस्ट होता है जिसका नाम है ले फिस्टस, ओके। तो शायद मैं इसे अच्छे से प्रोनंसिएट नहीं कर पाया और मैं ऐसे ही इसे करने वाला हूँ इसके लिए। और इसका अगर आपको इसके फेस्ट का फी लेना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो, ये वेबसाइट यार मैंने बनाई है, ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको इससे कोई और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कॉलेज रिव्यूज़ पे लगातार वीडियोस लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और तब तक के लिए गुड बाय।